So now let us start with the next question. Question number 130. Sana and Fatima participated in an apple race. Race was conducted in 6 parts. In the first part, Sana won by 10 seconds. जो वन है, जो गेम के पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स में हुई है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. वन को हम प्लस से लिखेंगे. सना वन बाय 10 सेकेंड्स. फर्स्ट रेस जो है वो 10 सेकेंड से फर्स्ट पार्ट जीतती है. सेकेंड पार्ट लॉस बाय 1 मिनट. नेक्स्ट इज वन बाय 20 सेकेंड्स. इन थर्ड पार्ट लॉस्ट बाय 25 सेकेंड्स. इन फोर्थ पार्ट शी लॉस्ट बाय 37 सेकेंड्स. इन फिफ्थ पार्ट शी वन बाय 12 सेकेंड्स. सारी सेकेंड्स में है तो 1 मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं. 1 मिनट में 60 सेकेंड्स आर देयर, सो माइनस 60 सेकेंड. ये गेम्स के पार्ट थे. एक गेम हुई है एप्पल रेस, 6 पार्ट्स में हुई है. तो सना ने फर्स्ट पार्ट 10 सेकेंड से जीत लिया, सेकेंड पार्ट 60 सेकेंड से हार गई, थर्ड पार्ट 20 सेकेंड से जीता, फोर्थ पार्ट 25 सेकेंड से लॉस किया, फिफ्थ पार्ट 37 सेकेंड से लॉस किया, सिक्स्थ पार्ट 12 सेकेंड से जीता. हु वन द रेस फाइनली? सो हम सबसे पहले सना का देखते हैं. सना ने ओवरऑल कितने पार्ट से जीती या हारी. पहला पार्ट 10 सेकेंड प्लस, देन माइनस 60, देन प्लस 20, देन माइनस 25 सेकेंड, माइनस 37, प्लस 12 सेकेंड. ये सना ने इतना टाइम लिया 6 के 6 पार्ट्स में. सो 20 प्लस 10 30, प्लस 12 42, माइनस 60, माइनस 25, माइनस 37. सो व्हाट इज द आंसर? माइनस वाली टर्म्स को ऐड करो. 7 प्लस 5 12, 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 एंड 1 12. सो माइनस में आंसर आएगा 2 माइनस 2 12 माइनस 4 माइनस 80 सेकेंड. माइनस 80 सेकेंड उसने जीता या हारा? यस, माइनस में आया है तो क्या होगा? लॉस. सो सना लॉस द गेम बाय 80 सेकेंड से वो गेम को हार गए. 80 सेकेंड मींस 60 प्लस 20. 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है. सो 1 मिनट 20 सेकेंड से वो रेस हार गई. तो फाइनली जीता कौन? हमें तो ये पूछा था कौन जीता. फाइनली फातिमा विन द रेस, वन द रेस. ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए. सना और फातिमा दोनों ने एप्पल रेस में पार्टिसिपेट किया. रेस जो थी 6 पार्ट्स में हुई. फर्स्ट पार्ट में सना जीती 10 सेकंड से. जो जीती है तो प्लस के 10, अगर हारी है तो माइनस का. तो देन शी लॉस्ट बाय 1 मिनट सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट में 20 सेकंड से जीती, देन थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में लॉस हुआ, देन फिफ्थ में भी लॉस, सिक्स्थ में 1. तो हमने देखा सना का पूरा 6 पार्ट्स का कैलकुलेशन किया. इट मींस वो 80 सेकंड से हार गई गेम. 80 सेकेंड मीन 60 प्लस 20, 60 सेकेंड्स का 1 मिनट बनता है. सो 1 मिनट 20 सेकेंड से वो रेस हार गई. तो इट मीन्स कौन रेस जीता? फातिमा वन द रेस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अ ग्रीन ग्रॉसर हैड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 47 ऑन मंडे, लॉस ऑफ रुपीज 12 ऑन ट्यूजडे, लॉस ऑफ रुपीज 8 ऑन वेंसडे. फाइंड हिज नेट प्रॉफिट और लॉस इन 3 डेज. अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें नहीं पता, अभी हम फाइंड करेंगे. नेट प्रॉफिट और लॉस. जो प्रॉफिट है वी विल डिनोट प्रॉफिट बाय पॉजिटिव इंटीजर एंड लॉस बाय नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, लॉस को हम डिनोट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से. सो तीनों दिन का फर्स्ट में प्रॉफिट हुआ, सो प्लस के रुपीज 47, देन लॉस तो माइनस के 12, देन वेंसडे को अगेन लॉस सो माइनस के 8. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? हु विल टेल मी? यस विराज, कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर? विराट? यस मैम. व्हाट इज द आंसर? मैम
ही गॉट अ लॉस ऑफ रुपीज 27. ओके, लॉस और प्रॉफिट? आई मीन प्रॉफिट. सो प्लस का है, सो ही हैज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 27 इन 3 डेज. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? बाकी सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है या आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं? मैम, यस मैम, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस अगेन? क्वेश्चन नंबर? मैम, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस अगेन? हां जी बच्चा, एक ग्रीन ग्रोसर को मंडे को सेल करने पे अपना मटेरियल, जो भी ग्रीन ग्रोसर कहता है सब्जियां फ्रूट्स बेचने वाला, ठीक है, तो उसे मंडे को प्रॉफिट हुआ रुपीज 47 का, ट्यूजडे को लॉस हुआ 12 रुपीज का, वेंसडे को लॉस हुआ 8 रुपीज का. तो इन तीनों दिनों का मिला के उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये फाइंड करना है. वी विल डिनोट प्रॉफिट बाय पॉजिटिव इंटीजर एंड लॉस बाय नेगेटिव इंटीजर. लॉस मतलब कम हुआ तो नेगेटिव से डिनोट कर दिया, प्रॉफिट मीन ज्यादा, एड हुआ तो पॉजिटिव से. सो नेट प्रॉफिट और लॉस मंडे को रुपीज 47, ट्यूजडे को माइनस के 12 क्योंकि लॉस था, वेंसडे को भी माइनस के 8 क्योंकि लॉस था. तो ये हमारे पास आ गया 47 माइनस 12 माइनस 8, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20. सो उसे नेट जो हुआ प्रॉफिट हुआ 27 रुपीस का इन 3 डेज. क्लियर बच्चा? यस मैम. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. इन अ टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, माइनस 1 मार्क आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. सोना अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर्ड प्लस 20 मार्क्स, दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर. चाहे उसके 10 करेक्ट आंसर आए लेकिन मार्क्स उसे मिले 20. ओके, सो मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर कितने? प्लस 3. मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर माइनस 1. हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए माइनस 1 हो रहे हैं. नाउ उसने 10 आंसर्स करेक्ट दिए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हमें गिवन है कि 10 उसने करेक्ट करे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने इनकरेक्ट कितने किए. सो लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर एक्स है, लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू एक्स. अब उसको मार्क्स कितने मिले? सोना स्कोर प्लस 20. सो अब उसने स्कोर इतना किया तो हम नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे? ओके, उसने 10 करेक्ट किए थे, हर एक करेक्ट के लिए प्लस 3, इनकरेक्ट उसने किए एक्स, हमें नहीं पता कितने किए, तो हर एक इनकरेक्ट के लिए माइनस 1 था, टोटल स्कोर मिले उसे 20. सो 10 इंटू 3 30 प्लस माइनस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20. माइनस के एक्स राइट हैंड साइड गए, प्लस के हो गए, 20 को लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, 30 माइनस 20 10, x क्या आया 10, x क्या था नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स. तो उसने 10 आंसर्स ठीक दिए और 10 आंसर गलत दिए, तब उसे 20 मार्क्स मिले. क्लियर? हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या था? हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैज शी अटेम्प्टेड, सो शी अटेम्प्ट 10 इनकरेक्ट answers. Now B part में क्या पूछा है हमें? How many questions were given in the test? Number of questions in the test कितने थे? बताइए, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ. मैम 40 questions. 40. How? 120. Yes. Number of questions, correct question, जितने उसने answer correct दिए थे plus जितने incorrect दिए थे. तो करेक्ट अभी हमें पीछे बताया था कि 10 उसने करेक्ट दिए और इनकरेक्ट अभी हमने फाइंड कर लिए कि 10 आंसर्स उसके इनकरेक्ट थे, तब उसको 20 मार्क्स मिले. सो करेक्ट क्वेश्चंस हो गए 10, इनकरेक्ट भी हो गए 10, सो टोटल क्वेश्चन टेस्ट में 20 क्वेश्चंस गिवन थे. क्लियर? सो
सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, तो अच्छे से करना है क्योंकि ऐसे आपकी एनसीईआरटी में भी है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया लेकिन है मेथड सेम ही, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, ओके, सो दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट लिटिल चेंज, तो इसे ध्यान से देखेंगे। इन अ ट्रू फॉल्स टेस्ट कंटेनिंग 50 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस है 50 टेस्ट में, हमें बताया हुआ है कि टोटल क्वेश्चंस 50 हैं। स्टूडेंट इज टू बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर इज प्लस 2, मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर जो हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, एक मिनट यार, माइनस 2 फॉर इनकरेक्ट आंसर, सो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर माइनस 2, ओके। नाउ 0 फॉर नॉट सप्लाइंग एनी आंसर, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, Not attempting, ये आपने वो क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं कुछ, that is 0, okay, हाँ जी विराट आप बताओ क्या आपका आंसर आया। यश सिक्योर्ड, यश को मार्क्स मिले 94, 47 करेक्ट आंसर्स और 3 इनकरेक्ट आंसर्स, ओके ओके, 94 मार्क्स मिले, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज मार्किंग करेक्ट और रॉन्ग आंसर, कितने हो सकते हैं? अगर उसे 94 मिले सो करेक्ट आंसर मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम नहीं कहूंगी, करेक्ट आंसर हो सकते हैं 94 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे, उसे मिले 94 मार्क्स, इट मींस उसने 47 क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए। एक तो ऑप्शन ये है, 50 क्वेश्चन में से उसने 47 करेक्ट किए, लेकिन अगर 47 करेक्ट किए 94 मार्क्स आ गए तो बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे उसके लिए 0-0 मिलो होगा, ठीक है, तो एक आंसर हो गया 47 करेक्ट आंसर्स एंड 0 नॉट अटेम्प्टेड एंड 3 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, यही हो गया मतलब, yes, ma'am. 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए तभी तो उसे 0 मिला, तो हो गए 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। इज देयर एनी अदर चांस, अब 47 करेक्ट थे, अब मान लो 48 उसने करेक्ट कर दिए क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 50 है, अब अगर उसने 48 करेक्ट किए तो 48 इनटू 2 कितना हुआ, 96, लेकिन उसे मार्क्स तो कितने मिले 94, तो मतलब 2 माइनस कर दूं, माइनस 2 मतलब उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तभी माइनस 2 मिल रहा था हर एक इनकरेक्ट के लिए, ठीक है। अगर उसने 48 करेक्ट किए तो 1 इनकरेक्ट किया, कितने क्वेश्चन हो गए, 48 प्लस 1 49 एंड 1 नॉट अटेम्प्टेड, और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया उसने, उसके लिए उसे 0 मार्क्स मिलेंगे, तब आ जाएगा 94, 48 2 जा 96 माइनस 2 प्लस 0 94 मार्क्स उसे मिले थे, क्लियर और नॉट। अब आपके मन में आएगा नेक्स्ट ऑप्शन ले ले, 49 करेक्ट आंसर किए, अब देखो अगर 49 करेक्ट किए 9 2 18 98 उसे मिले कितने, यस 94, मतलब 4 मार्क्स माइनस करने हैं, सो प्लस 2 माइनस 2, यस मैम, ठीक है, लेकिन नंबर वी कैनॉट टेक इट, यस, अगर 49 और 2 क्वेश्चंस हो गए 51, लेकिन हमें क्वेश्चन गिवन थे 50, इसलिए ये केस इंक्लूड नहीं होगा, करेक्ट है तो 100 आना चाहिए, यस,
क्लियर। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन इस केस में आ सकते हैं, 47 एंड 48। 49 क्वेश्चन करेक्ट होने का ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? सबको क्लियर हुआ या नहीं? यस यस मैम। यस मैम। तो 49 नहीं होगा, क्योंकि 49 करेक्ट का मतलब दो इनकरेक्ट करने पड़ेंगे तब 94 मार्क्स बनेंगे, लेकिन इस केस में तो क्वेश्चन ही बन गए 51, तो ये केस इंक्लूड नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 ही रहने चाहिए, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था प्रीवियस वाले से, लेकिन इजी था, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं टेस्ट में भी और पेपर में भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज 25 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड लेवल। ये अगर ग्राउंड लेवल है, 25 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में अबव द ग्राउंड लेवल, ईच ऑफ हाइट 5 मीटर। इट हैज 3 फ्लोर्स इन द बेसमेंट। बेसमेंट में 3 फ्लोर्स हैं, उनकी भी हर एक की हाइट 5 मीटर है, मतलब हर एक की जो हाइट है 5 है, एक की तो मतलब 5, 10, 15 ऐसे हो गया, हर एक की हाइट 5 मीटर है। ओके सो टोटल में अभी इतने 29 फ्लोर जो 27 मल्टीप्लाई कर इक्वल टू 145, सो अभी 145 मीटर। ओके अ लिफ्ट इन द बिल्डिंग मूव एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। जो लिफ्ट है 1 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। इफ अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम 50 मीटर अबव द ग्राउंड, How long will it take to reach the second floor of the basement? उसे यहाँ पहुँचना है 1 meter per second. So second floor पे उसको पहुँचना है और start हुआ है 50 meter. हर एक floor 5 meter की height का है, तो वो 10th floor पे था. So total distance man covered. कितना उसने पहले total distance cover किया? 50 मीटर से उसने स्टार्ट किया, बेसमेंट में जाना है तो माइनस 2, दो फ्लोर नीचे आया, तो हर एक के लिए 5 मीटर की डेप्थ, सो माइनस 5, सो 50 माइनस माइनस 10, इज इट करेक्ट? यस मैम। 60 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। नाउ लिफ्ट मूव्स एट द रेट ऑफ 1 meter per second. 1 meter distance 1 second में cover करती है। 1 meter distance is covered in 1 second. तो हमें कितना distance cover करना है? 60 meter. So 60 meter distance is covered in 60 into 1. That is 60 second or 1 minute. Clear to everyone? Yes, is there any doubt in this question? No. हाँ जी बच्चा? No ma'am. No, okay. चलिए next में move करें then. Taking today as zero on the number line. Zero को ले लिया हमने today on the number line. If the day before yesterday, कल से पहले जो दिन था, that is 17 January. What is the date 3 days after tomorrow? Today के बाद tomorrow, 3 days after tomorrow. 1, 2 and 3. तो अगर ये zero है, अगर मैं number line पे ऐसे लिखती हूँ 1, 2, 3, 4. 17 जनवरी थी अब, तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डेट तो बढ़ेगी, सो ये हो गया 18 जनवरी, मतलब आज हो गया 19 जनवरी, देन 20, फिर 21 जनवरी, 22 जनवरी एंड लास्ट हम पहुंचे 23 जनवरी पर। सो टुडे इज 19 जनवरी, 3 days after tomorrow will be, 3 days after tomorrow. So 19 plus 4, that is 23 January. So tomorrow ke 3 din baad jo date hogi, that will be 23rd January. Clear? Yes, ma'am. Easy, yes, ma'am. Okay. Next is,
The highest point above the sea level is the summit of Mount Everest. Sea level, let it be a sea level. Mount Everest, which is 8,848 above sea level. Lowest point in the Challenger Deep at the bottom of Mariana Trench, which is lower point at 10,911 meter below sea level. Vertical distance between these two points. So what is the vertical distance? Hanji, who will tell me the vertical distance? This is Mount Everest, ma'am. Mariana Trench. 8,911 ऐड करेंगे एंड टेल मी द फाइनल आंसर 19,759 meter. So this is the distance between these two points. So that's all for the chapter 1 exemplar. 136 के 136 questions हमने कर लिए हैं complete. I hope आपको सभी समझ आ गए होंगे. आप दोबारा से देख सकते हो अगर कोई भी problem हो. Otherwise कोई भी question समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ भी सकते हो.